वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब, ये सर, ये अलीम साहब ने अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए कि लोकल प्रोडक्शन टारगेट ये था कि लोकल प्रोडक्शन को बेहतर करना, वो हुआ ये है, एक्चुअली अनफॉर्चुनेट हुआ है कि एकदम से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। जी जी, डॉलर का रेट बढ़ाना, इम्पोर्ट्स का महंगा होना, तो वो हमें बहुत फील हुआ। जी बिकॉज सारी इम्पोर्ट बेस्ड थी इकोनॉमी हमारी, सारी हर चीज़ इम्पोर्टेड थी। अभी बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका शायद नाम लेना अजीब सा हो इधर, वो ब्रांड्स आज मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, और मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है सर, हम लोग ही ये जो लोकल सीरियल्स खा खा के बड़े हुए हैं, अब हमारे बच्चे जो हैं वो महंगे महंगे सीरियल खा रहे हैं, उनको चाट लग गई है इस चीज़ की। अब एक मामला था ना, वो जो इम्पोर्ट कम हुई है हमारे मुल्क में, वो पैदावार भी तो उनकी बढ़नी चाहिए ना। यहाँ भी तो जिस चीज़ की इम्पोर्ट कम हुई है, जिस चीज़ का परचेज कम हुई है, वो आम आदमी से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। ठीक है, वो लग्जरी ब्रांड्स हैं। हाँ, अगर लेकिन वो तो हुकूमत, देखो वो अगर रुकी भी हैं, वो तो हुकूमत को नुकसान हुआ है, जिसका रेवेन्यू कम हुआ है। रेवेन्यू कम हुआ है, वो बाहर हमें लग रहा है, मगर देखें उसकी सारा उसकी तो उससे कम हुआ है, लेकिन ये हुकूमत का भी नुकसान हुआ है। इस डेस्परेशन से हुआ क्या है, मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स या जिनके साथ उठना बैठना है, वो जो इम्पोर्ट आइटम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चला रहे थे, अब वो मजबूर हो गए हैं कि यार कोई लोकल जुगाड़ ढूंढें। जी जी, तो क्या होगा, अभी के लिए हमें लगेगा कि एकदम हिट हुई है इकोनॉमी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे छोटे कारखाने वो चलना शुरू होंगे, जिस तरह वो चक्का वापस चलेगा, रिटेलर की तरफ, टियर वन की तरफ, शॉपकीपर की तरफ। आप सर देखिए, देखना शुरू किया, इसका मतलब ये सिमत दुरुस्त है, ये सिमत तो डेस्परेशन है। अगर इस शॉपकीपर्स का ड्राफ्ट देखा जाइए तो गवर्नमेंट की सीधी सीधी डेस्परेशन है कि जल्दी जल्दी सबको ले आए टैक्स नेट में, और वो 35,000-40,000 एग्री करके बस पेमेंट शुरू कर दें हमें, ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्टिव काम था वो होना ये चाहिए था, अगर टेक्निकली जेन्युइन स्टेप्स लिए जाते पिछली गवर्नमेंट की तरफ से भी। मैं इस गवर्नमेंट को भी कुछ मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ, मगर इनकी भी मजबूरियाँ थी। अब मसला ये था कि ये ग्रेजुअली होना चाहिए था कि जी हम इम्पोर्ट्स को महंगा करने लगे हैं, ताजरों को कॉन्फिडेंस में लेते कि हम इम्पोर्ट्स कर अपने लोकल जो हैं मुतबादल ढूंढना शुरू कर दें। ठीक है, हर साल हम आपसे 2%, 3%, 4% इम्पोर्ट बढ़ाना शुरू कर दें। जी जी, और डॉलर भी बढ़ेगा। जी जी, तो हमारी इकोनॉमी के लिए दूसरे तीसरे साल जाके इसको अफेक्ट करता, मगर इतना टाइम शायद इस गवर्नमेंट को लग रहा था कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए या हम रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं। उसकी वजह से एक हमारा मसला ये है ना सर, वो हमारी वो कहते हैं ना जी, हमारा मोहल्ले में बच्ची लेट आ रही हो तो किसी ने ये नहीं कहना कि वो आज क्लास पढ़ के आई है, बातें 100 दूसरी बननी है। हमारा माशरा भी ऐसा है कि बातें बनाने में हम नहीं, वैसे भी तो मामून साहब देखना, हमारे चेयरमैन शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं हम बैंकों को अब वॉच कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं, अब उनका डाटा हमारे पास आ गया, ये बताने की ज़रूरत है। मामले देखो, एक जिस तरह अमर साहब कह रहे थे, एक बंदे पर जब पता है मैं टैक्स दूंगा, दूसरा मेरे साथ वाला नहीं देगा तो मैं क्यों टैक्स दूंगा। मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूँ। शब्बर जैदी साहब हमारी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, वकील भी हूँ। जी जी, तो मसला ये है कि बताने की ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ती जब मैं एक्चुअली कुछ कर रहा हूँ। जब मैंने खदशा, मैंने किसी को कहना हो ना कि मैं तेरे मार देंगा, जी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको मारूंगा, इसका मतलब ये कि भाग जाए। बिल्कुल ऐसे अगर मुझे पता हो कि मेरी टीम पूरी है, जी जी, FBR की मशीनरी बड़ी डेडिकेटेड है, जी जी, वो इन सबको रूट आउट कर लेगी, इनसे फाइलिंग करवा लेगी, तो मैं बताऊ ही ना, मैं नोटिस डाल के उनको पकड़ लूं कि भाई तुमने देखो 18 ट्रिप किए हैं एक साल के अंदर। जी जी, तुम बिजनेस के लिए भी ट्रैवल करते हो, लग्जरी के लिए भी ट्रैवल, लेजर के लिए भी ट्रैवल करते हो, फैमिली के साथ भी जाते हो, अकेले भी जाते हो, तुम रिटर्न क्या फाइल करते हो आजकल, मैं पकड़ लूं। जी जी, वो मैं ट्वीट क्यों करूं। जी जी, मैं अपना स्पोक्स पर्सन एक रखा हुआ है FBR का, आपको पता है ट्विटर का एक स्पोक्स पर्सन भी है। जी जी, जिसका अपना ट्विटर अकाउंट है, शब्बर जैदी साहब का अपना ट्विटर अकाउंट है। जी जी, शब्बर जैदी साहब जब मेरे सीनियर हैं, मेरे सीनियर हैं, बड़े ऑनरेबल हैं, शब्बर जैदी साहब जब प्रैक्टिस में थे उनका ट्विटर अकाउंट नहीं था। जी जी, जब प्रैक्टिस करते थे, जब वो FBR में है वो ट्विटर अकाउंट बना, जिसमें आपको पता है बड़ी बातें बनी। जी जी, तो सर बात ये है कि आपको अयूब भाई मेरा पता है, मैंने कभी ढकी छुपी बात की नहीं, मैंने जो बात है मुंह पे दो टोक की है, शब्बर जैदी साहब को पर्सनली भी जाके मिले। प्रॉब्लम ये है उस शख्स की भी बड़ी मजबूरी है, मशीनरी। आप एक बंदे को आप मुझे दे दें कि यार आपने ना ये 18 बंदों को पकड़ के हाँक के ना सीधे राइस रस्ते पे लेके आना है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये उसमें वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है ना, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का प्लान दिया था, हाँ। उसमें उन्होंने एक चीज़ मैंशन की थी, FBR की पूरी मशीनरी में 20% लोग जो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं, स्किल्स उनके पास मौजूद हैं, 80% उनके साथ सिर्फ सपोर्टिंग है,
उससे तो मतलब वो निकलता है ना, वो काम उनको वो किसान पूरा करेंगे। लेकिन मामून साहब मैं छोटी सी कंक्लूडिंग बात कर लूं, जो हमारे 20% की आप जिक्र कर रहे हैं ना, मेरा तो दिल चाहता है खराज तहसीन दी जाए उनको। जी जी, और खुदा की कसम वो जिहाद कर रहे हैं डिपार्टमेंट में बैठ के, ऐसे ऑनरेबल ऑफिसर्स हैं, मगर उनको क्या ड्यूटी दी जाती है, उनकी ट्रांसफर LTU में कर दी जाती है, लास्ट टैक्सपेयर यूनिट में, ताकि लोकल वाम से उसका ताल्लुक ही ना पड़े, क्योंकि वो समझदार लोग हैं, ऑफिसर्स वो समझ रखते हैं, इसलिए कानून पे कमांड रखते हैं। जहां बैठे बैठे टैक्स आ जाता है, जहां बैठे बैठे टैक्स। दूसरी बात, उनको ड्यूटी किस चीज की दी जाती है, FTO के अंदर DR की, ट्राइब्यूनल के अंदर DR की, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ओ भाई, जो बंदा कलेक्शन कर सकता है, जो ऑनेस्ट है, जो ऑनरेबल है, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफात करूंगा, क्योंकि जो पूरे मुल्क से कलेक्शन करके हुकूमत को देती है, जिससे मुल्क चलता है, उसके एक DC की या कमिश्नर की जितनी तनख्वाह है, उससे जो एक DMG ग्रुप का अफसर है, उसके पास, एक DC के पास 8 पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, 8 गाड़ियां भी मौजूद हैं, 8 किनाल का बंगला भी मौजूद है, उसकी तनख्वाह भी इतनी है जिससे वो पूरा खानदानी 4 गुना लग्जरी जिंदगी गुजार सकता है, और एक कलेक्शन करने वाला है टैक्स का ऑफिसर, हाँ। जिसकी सैलरी इतनी है, घर के वो बच्चों को फीस तक अपनी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो सहूलियत का फुकदान है ना सर उसमें। सर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर तक तो मैं मदद के साथ, इनकी सैलरी है इनफ है, मगर ये जो निचला लोअर रैंक है ना, जिसने एक्चुअली वर्किंग करनी है, जी जी, उनके 8-8 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं घर में, और उनकी सैलरी के साथ तनाजा करें तो नहीं पूरा होता, नहीं पूरा होता, इसलिए फिर करप्शन तो बढ़नी है ना। जी जी, इफ आई कैन ऐड हियर, दूसरा कॉइन का दूसरा रुख अगर आप देखें, हर बिजनेसमैन, हर बंदा जिसके पास NTN है, जी जी, विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया गया है, जी जी, इफेक्टिवली टैक्स कलेक्टर बना दिया गया है, जी जी, विदहोल्डिंग से तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करता, लेकिन ये मजबूरी के तहत विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाता है। एक्चुअली देखिए, विदहोल्डिंग एजेंट जब आप बना देते हैं तो हम टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे हैं हुकूमत के लिए, मैंने इनको पेमेंट कर दिया साहब, वो भी तो जमा नहीं होता ना हुकूमत के खजाने में, जितना भी हो रहा है वो भी जो चंद कंपनियां हैं वही हैं, बाकी जितना वो अगर 10% भी चला जाए ना विदहोल्डिंग का टैक्स का हुकूमती खजाने में जा तो ये हद पूरा हो जाए, वही तो नहीं जाता अलीम साहब, जो रजिस्टर जो NTN जिसके पास है अगर वो ना काटे तो वो फिर जो है नोटिस, जो बेचारा असल में ना जिस तरह खाल साहब कह रहे थे ना, जिसका डंडा है उसकी भैंस है, मामला दिया जिसको पता नहीं है बेचारा वो फंस जाता है, जिसको पता है वो नहीं फंसता, जना वो 10 करोड़ माने जमा कर रहा है विद होल्डिंग की सूरत में, लेकिन वो डिपार्टमेंट में 10 लाख भी नहीं जाता। लेकिन अलीम साहब, आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत को भी और अपने टैक्स पेयर को भी और आवाम को भी, टैक्स देना कितना ज़रूरी है? एक गवर्नमेंट जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, बट नज़र भी आना चाहिए कि वो अच्छा कर रही है, थोड़ा सा नरेटिव, ये जो अभी ट्वीट की बात हुई ना कि जी जो ट्रैवल कर रहे हैं हम उसको भी देख रहे हैं, जी जी। लोगों को जो वो हरास जो कर रहे हैं ना, तो डराने वाली जो बात है ना करें, नज़र आना चाहिए कि जी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हैं, हम आवाम में, आवाम का हिस्सा है बस। जी जी, ठीक हो गया खालिद उस्मान साहब, क्योंकि आप समझते हैं चैम्बर का जो किरदार है वो बहुत अहम है हमारी इकॉनमी में, क्योंकि चैम्बर वहद वो स्टेट है हमारे मुल्क में, वो जगह है जहाँ से ताजर बरादरी का एक नाम निकलना शुरू होता है, और वहाँ से जिस तरह ताजर अपने LCCI जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, किसी मेंबर को अपना मेंबर नहीं बनाते जब तक वो NTN होल्डर ना हो, अपने रिटर्न जमा ना करवाता हो, क्या भाई कभी चैम्बर ने टैक्स पेयर की तादाद बढ़ाने के लिए भी कोई इकदाम किए? तो अगर इकदाम नहीं कर सका तो आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, हुकूमत आपको कौन सी सहूलियात फराहम करे ताकि आप टैक्स बेस को, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत का साथ दें? देखिए, हमने तो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जो आखिरी बजट भी आया था, तो हमने तो जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर में आए थे, गवर्नर हाउस में एक मीटिंग थी, हमारे प्रेसिडेंट भी उसमें शरीक हुए, तो हमने तो कहा कि देखें जो लोग मिसाल के तौर पर जिनका आप इंडस्ट्रियल मीटर लगे हैं लोगों के और वो टैक्स नेट के अंदर नहीं, आप उनको नोटिस करें, जी जी, ठीक है ना, नोटिस भी उसके साथ बिल्कुल 175, 176, 177 40B के अख्तियार अफसर के पास है, उसी वक्त देखें हम उसको रजिस्टर भी कर सकता है, जुर्माने फाइन भी कर सकता है, उसको टैक्स भी लगा। देखिए हमारा प्रॉब्लम, देखिए हमारे मेंबर्स 22-25 हज़ार हैं, वो सारे टैक्स पेयर हैं, जी जी। देखिए हम ये समझते हैं लाहौर चैम्बर के अंदर कि अगर बाकी लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे तो आप तो इन्हीं का गला दबाते रहेंगे ना, जी जी, टारगेट किया जाएगा, और अगर आप इन्हीं का गला दबाता रहेंगे तो फिर बात तो नहीं बनेगी, खून कब तक निकालेंगे जी, समझे, तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें हम ये भी समझते हैं कि फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा कल्चर है, हम चीजों को मुश्किल से अडॉप्ट करते हैं, मुश्किल से हमें चीजें समझ में आती हैं, तो हमें कोई भी आप पॉलिसीज आप डिसीजंस करते हैं ना, अगर आप उसको कल्चर को बाईपास करके करते हैं ना जी, तो बाद मिसाल के तौर पर देखिए मैकडॉनल्ड भी अगर बाहर से आके
برگر بناتا ہے نا تو وہ آپ کو پتا ہمارے یہاں کلچر ہے کہ مائیں روٹی میں نا وہ کوئی چیز لپیٹ کے بھیج دیا کرتی ہیں, تو وہ آپ کو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بھی ایک پروڈکٹ ہے کہ ایک جو اس کلچر کے لوگوں کے لیے شاورما ٹیپ بنا. لیکن اگر آپ اگر کلچر کو چھوڑ کر اگر آپ ڈیسیژنز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو, دیکھیں ایک کام 20 سال سے نہیں ہوا, زمین حقائق سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. یس, تو اس لیے دیکھیں فیسیلیٹیٹ کریں, لے کے آئیں, ٹرسٹ ڈیولپ کریں. دیکھیں فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک ٹرسٹ اور ایک ٹرانسپیرنسی. اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیوس ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں کا تعلق ہے گڈ گورننس کے ساتھ. اگر گورنمنٹ گڈ گورننس کرے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہیں. میں شبر زیدی صاحب سے میرا خیال ہماری ڈسکشن بہت اچھی, اس میں اپرچونیٹیز کی بھی بات ہوئی. اس ملک میں اس وقت بے پناہ اپرچونیٹی, جہاں کرائسز ہیں, مشکلات ہیں, اکانومی سکڑی ہے, وہاں پر بے پناہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہمیں ان اپرچونیٹیز کو دیکھنا چاہیے. امپورٹ ریپلیسمنٹ, ہم $60 billion کی امپورٹس کرتے تھے. آپ تصور کریں کہ آپ اس وقت وہ اپرچونیٹی ہے. فورن کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اب یہاں پر بسکٹ بنانے والا, کنفیکشنری بنانے والا, چیز بنانے والا اگر اچھی کوالٹی کی چیز لے کے آئے گا تو اس کی قیمت بہت فرق ہوگی, اس کو مارکیٹ سے رسپانس ملے گا. تو دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ ان دا پاکستان. اگر آپ اس وقت انویسٹ کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت آپٹیمسٹک ہوں, وسائل بہت ہیں, ان کو پورے کار لانے کی ضرورت ہے. یس, ہمیں اس اپرچونیٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان شاء اللہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس نے ترقی اور خوشحالی کی طرف اپنا قدم رکھ دیا. خالد عثمان صاحب آپ کو بہت شکریہ, علیم صاحب آپ کو بہت شکریہ, مامون صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے بہت کم ٹائم میں ہمیں وقت دیا. ناظرین, ٹیکس روام پروگرام میں اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی پرپوزل ہے آپ کے پاس, ہمارا میل موجود ہے, فون نمبر موجود ہے سکرین پہ, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل یو بی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.